तो हेलो गाइस, फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। तो टाइटल तो देख ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड के बारे में। आप लोगों को फिर से और एक बात बता दूं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, हमारे इस चैनल का नाम कुछ रीजन की वजह से मूवी मास्टर से मूवी लेक्चरर कर दिया गया है। चैनल का सर नाम बदला है पर चैनल अभी वही है, तो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नए इंट्रो से। तो आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड के रिव्यू नहीं देखा है तो जल्दी ही देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने आप लोगों को इस सीरीज के पहले वीडियो में ही कहा था कि ये दो एपिसोड तो बस शुरुआत है, इसके बाद कुछ और अच्छा होगा होप किया था। और हाँ, हमारा होप काम आया। एपिसोड 3 और 4 में ऐसा धमाकेदार सीन दिखाया गया है, अब इंतजार नहीं किया जा रहा 5 एपिसोड का। एपिसोड 1 और 2 में तो एक्शन था पर कहानी तब तक शुरू ना हुआ था, पर 3 और 4 एपिसोड देख के लग रहा है कि ये मार्वल स्टूडियो का सीरीज है। एपिसोड 3 और 4 में एंथनी एंड सेबेस्टियन का परफॉर्मेंस एकदम ढांसू है, दिल खुश कर दिया। और जो एक्टर एक्ट्रेस है उनका भी परफॉर्मेंस कमल का था। कैरेक्टरों की चमक तो अब दिख रहा है, अब आ रहा है एवेंजर्स वाली फील। इस सीरीज में एक बात है, ये जो नया कैप्टन अमेरिका है उसका इरादा तो नेक है पर काम नहीं। असल में न्यू कैप्टन अमेरिका यानी कि जॉन वॉल्कर एक कांड करता है एपिसोड 4 में और उसके बाद ही एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हॉटस्टार पे या आपका कोई दूसरा जुगाड़ हो तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे सुनना है तो कमेंट कीजिए, मैं एपिसोड 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन वीडियो ला दूंगा। एपिसोड 3 और 4 देख के इतना मजा आया कि अभी लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और इस वीडियो को खत्म करके एपिसोड 3 और 4 देखने बैठ जाओ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक आप 3 और 4 एपिसोड का मजे लो। लव यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।